हेलो गेमर्स, वापस से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाबू प्लेस पर। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट फिर से। अब माइनक्राफ्ट ही आएंगे, अब और कोई नहीं आएगी, आप रोब्लॉक्स को भूल जाएं। तो जल्दी से आप देख रहे होंगे, मैंने मेरे पास है 34 एमरल्ड के ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स मैंने बहुत ग्राइंडिंग करके इकट्ठे किए हैं। ये जैसे गोल्ड का एक मॉन्यूमेंट बनाया है स्वॉर्ड, वैसे ही हम एक और स्वॉर्ड बनाएंगे। और यहाँ पे एक चाचा जी आए थे, चाचा जी ने मतलब हमारे ट्रेडर चाचा, उनसे हमने लिए मॉस ब्लॉक। ये मॉस ब्लॉक काफ़ी यूज़फुल होते हैं, इसको किसी भी पाए लगू इनको करना ज़रूरी होता है। पाए लगू कर दिया है इनको, हमको इनसे एक लीड भी मिली है। गाइस काफ़ी देर की मेहनत के बाद हमने बना लिया ये मॉन्यूमेंट एक टाइप का, और ये एमरल्ड का ब्लॉक मैंने चढ़ने के लिए लगाया था। वैसे मैं मॉस ब्लॉक यूज़ कर रहा था, मॉस ब्लॉक काफ़ी अच्छे हैं ब्लॉक्स के तौर पर, मतलब इसको ये बहुत जल्दी टूटते हैं, जैसे लाइन ब्लॉक और एक TNT टूटता है वैसे टूटते हैं, बहुत आसानी से अच्छे लगता है और जल्दी से सो जाते हैं। वैसे सुबह में सो गए हैं, ऊपर आप छत से देख सकते होंगे। और जल्दी से बाहर चल के आपको दिखाता हूँ, ये हमारी तलवार बहुत मेहनत से बनाई हमने। ये हमने जो बनाए हैं रेड रेड रंग के, हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर जल्दी से इसको रिप्लेस करता हूँ, जल्दी से फास्ट अप करता हूँ। गाइस काफ़ी पीछे देखिए हमारे डोंगी, इसका नाम मैंने DOGI रखा था, पर पता नहीं एम कैसे लग गया तो डोंगी हो गई, फिर चलो कुछ नहीं होता। और यहाँ पे से हमारी माइंड, और अब आज हम काम करेंगे, बनाएंगे इंटेंटिंग टेबल, जैसे आपको दिखी गया होगा हमारे थंबनेल और टाइटल में। तो उठाते हैं उधर पर सामान, पता नहीं मैंने कहाँ रखा था, इसमें रखा हुआ। हाँ जी, ये रहा 2 डायमंड्स और वो हैं हमारे 4 ऑब्सीडियन। हम जल्दी से ग्रैब करते हैं इनको, चलते हैं और कोई बुक्स वगैरह लेदर वगैरह ढूंढ रहे हैं। मैंने आज तक कोई काउश मारी, तो जल्दी से मिलते हैं आपसे, जल्दी से इंचेंटिंग बना। हमने बना लिया इंचेंटिंग टेबल, अब जल्दी से करते हैं अपना सामान इंचेंट। शायद मेरे पास लैपिस लजूली नहीं है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंचेंटिंग करने के लिए, तो जल्दी से मैं इसको प्लेस करता हूँ। हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि प्लेस करने के शुभ मुहूर्त में सिर्फ 3 सेकंड की वीडियो है। 3 2 1 0 0.1 0। हाँ चलो हो गया प्लेस शुभ मुहूर्त के टाइम पर, तो जल्दी से करते हैं इंचेंट चीज़ें। शायद इंचेंट नहीं हो सकती, मेरे को पता रखा है, जल्दी से उसको देखते हैं क्या कहेंगे। शार्पनेस वन मैं दूंगा क्योंकि अच्छी लगती है, और शार्पनेस वन शायद
भी अच्छी हैं। जल्दी से मैं लैपटॉप से दूरी लेके मिलता हूँ आपसे जल्दी से। तो आज मैं पहुँच गया हूँ लैपटॉप लजूली तक इतना मुश्किल से। तो जल्दी से लेते हैं यहाँ से लैपटॉप लजूली। हमने फॉर्चुनर अरे दो थोड़ी हैं, देखते कितना मिला है हमें। मिले टोटल 22 मतलब 11 ईच। मतलब फॉर्चून काफ़ी यूज़फुल है। और ये रेड स्टोन है इसको तोड़ेंगे नहीं, फॉर्चून वाले के फॉर्चून 3 काफ़ी यूज़फुल है। अगर मैं डायमंड तोड़ूंगा तो वो भी शायद ज़्यादा मिलेंगे। जल्दी से स्मॉल ब्लॉक का यूज़ करते हैं इसको। ये देखिए इसका ऐसे यूज़ होता है कि इसको जब भी ऐसे मारते हैं तो फिर इसकी सारी चीज़ें वो जो जगह होती है वो पूरी ऐसे पूरी जगह पर फैल जाता है। जिससे तो डर्ट और स्टोन वगैरह सब पता है और उस पर नहीं करता काम। इससे मैं ऐसे एक पूरा एक चंक भी ड्राइंग करता हूँ बहुत आसानी से। जल्दी चलते हैं तो कल जब हम पहुँच गए तो जल्दी से जॉइंट करते हैं अपना सामान। जब मैं था अपने एक्सपी के रखने के लिए मेरी 17 एक्सपी हो गया और अब आप देख सकते हैं मैं 26 हो गया काफ़ी देर के बाद। तो चलिए चलते हैं ऊपर 26 एक्सपी करने। आप सोचेंगे नहीं मेरे को कम से कम आधा घंटा लग गया। और जल्दी से ऊपर चलते हैं। एक्सपी बहुत स्लो है, इसको थोड़ा तेज करना होगा, इसकी स्पॉन रेट बढ़ानी होगी। चलिए चलते हैं ऊपर। मैं नीचे भी गिर गया। मैं सोच रहा हूँ स्पाई ग्लास बना लूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलता हूँ स्पाई ग्लास बना के इसी जगह के ऊपर। बहुत तकलीफ की तो चले चलते हैं ऊपर। तो गाइस हमने बना लिया स्पाई ग्लास और हम सब कुछ देख सकते हैं। दूर दूर से वो हम डर दिया उसके पास जाकर उसके बाल दिखते हैं। चलो काफ़ी देर लग जाएगी वीडियो लंबी करने के लिए, यही करते हैं हम बस बाल गिनते हैं। डॉगी करते हैं जल्दी से डॉगी। ये तो खड़ गया डर 1 2 3 4 बाद में गिनेंगे। मैं ऑफ कैमरा सारे बाल गिन लूँगा। और यह विलेजर, हम विलेजर्स पर भी नज़र रख सकते हैं कि कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहा। और जल्दी से हम क्या करने आए यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो जल्दी चलते हैं वापस अपने उधर इंचेंटिंग जगह पे और इंचेंट करते हैं अपने सारे सामान आर्मर और बाकी सब सामान। जल्दी से इंचेंटिंग टूल्स, पहले मुझे अपना आर्मर उतारना होगा। आर्मर उधर जा। हेलमेट उतरने का नाम ही नहीं है, ऐसे हो गया कर्सर बाइंडिंग लगा। चलिए उतर गया है, जल्दी से अब हम करते हैं इसको यूज़। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि मेरे शूज पे फ्रॉस्ट वॉक कराए, क्योंकि फ्रॉस्ट वॉक काफ़ी अच्छा रहता है पानी के चलने के लिए। हमारे घर पर बैठक बहुत सारा पानी है तो मैं जल्दी से देखूँगा। प्रोटेक्शन वन हम देखेंगे, प्रोटेक्शन वन हम हर चीज़ को प्रोटेक्शन लेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन ओवर प्रोटेक्ट करती है। प्रोजेक्टर करती है एरो से, ब्लास्ट करती है टिंकर्स वगैरह से, और फायर करती है आग से। आप जिसे नाम भी दे रहे हैं। और शूज़ पे लेते हैं प्रोटेक्शन ब्लास्ट, प्रोटेक्शन टू लेते हैं। प्रोटेक्शन टू अंब्रेलिंग वन अच्छे ज़्यादा भी मिलती है मेरे को पहले पता चला। जल्दी से स्पाई ग्लास इंजेक्ट नहीं करना, स्पाई ग्लास की इंजेक्टमेंट होती है नहीं पता नहीं, शायद नहीं होती क्योंकि ये कोई टूल वगैरह नहीं। तो जल्दी से इसको पहनते अपने आर्मर को, चमचमाता आर्मर बहुत सुंदर लग रहा है। तो भाई से काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ऐसे चमचमाती सी सारी चीज़ें। तो जल्दी से मैं आपको बताने वाला था कि कैसे कर सकते हैं आप एक पूरा वो चंक माइंड, तो उसको स्पीड अप करके दिखाता हूँ जल्दी से। ऐसे थोड़े से मैं उसको कारण ब्लॉक माइंड करते हैं, टाइम लगेगा काफ़ी ब्लॉक माइंड करने में। ब्लॉक माइंड करने के लिए हाँ जी ये देखिए ब्लॉक माइंड करिए, तो आप छोटी सी बुश मिली है, इसे कहते हैं फ्लावरिंग अजीलिया शायद इसका यही नाम है।
इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्लावर वाले पेड़ उगाने के लिए, जो हमारे डेकोरेशन के घर में काम आएंगे। और जल्दी से सारे ब्लॉक छोड़ के आपको दिखाते हैं, रात हो रही है काफ़ी, देर हो जाएगी रात को जल्दी से। और देखिए इसको मैं फिल अप कर देता हूँ, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए हम करते हैं ओनली वन लाइक का कर दो मुझे बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।